हे गाइज, अब हम यहाँ पर आज भाग दो में बताएंगे प्रतिकूल प्रविष्टि क्या होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था प्रविष्टियाँ, आज हम बात करेंगे प्रतिकूल प्रविष्टि। उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश कर्मचारी सेवा नियमावली के अनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि किसी कर्मचारी द्वारा एक वर्ष में उसके द्वारा किए गए कार्य, व्यवहार, आचरण, निष्ठा अगर अपेक्षित नहीं है तो उसके चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाती है, जिसे प्रतिकूल प्रविष्टि कहते हैं। यानी कर्मचारी के चरित्र पंजिका में उसके कार्य का ग्रेडिंग किया जाता है, जैसे उत्कृष्ट, उत्तम, अति उत्तम, संतोषजनक। तो इस प्रकार से उसके चरित्र पंजिका में ग्रेडिंग की जाती है। प्रतिकूल प्रविष्टि कर्मचारी के पदोन्नति व अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर प्रभाव डालता है। अगर आपकी प्रतिकूल प्रविष्टि मिल गई है तो भविष्य में आपकी पदोन्नति है, प्रोन्नत है, या अनिवार्य सेवा निवृत्त भी कर सकते हैं विभाग, तो इस पर प्रभाव डालता है। अंतिम प्रविष्टि कौन करता है? अंतिम प्रविष्टि प्रतिवेदक समीक्षक, प्रतिवेदक जो आपके कार्यालय अध्यक्ष हैं, समीक्षक उससे उच्च अधिकारी, समीक्षक अधिकारी कहलाता है, और स्वीकारता प्राधिकारी यानी कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी स्तर पर विरोध मत होने की स्थिति में स्वीकारता अधिकारी का प्रविष्टि अंतिम मानी जाएगी। यानी कि अंतिम प्रतिकूल प्रविष्टि अपने नियुक्ति अधिकारी की मानी जाएगी। उससे नीचे प्रतिवेदक या सक्षम अधिकारी अगर प्रतिकूल प्रविष्टि अंकना करते हैं तो वो मान्य नहीं है। खंडित प्रतिकूल प्रविष्टि क्या है? खंडित प्रतिकूल प्रविष्टि यानी कि किसी प्रतिकूल प्रविष्टि को खंडित करना, समाप्त करना। प्रविष्टि यदि प्रतिवेदक अथवा समीक्षा प्राधिकारी द्वारा अंकित की गई है तो प्रतिकूल प्रविष्टि को स्वीकारता प्राधिकारी यानी कि नियुक्ति अधिकारी पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से खंडित कर सकते हैं। तो प्रतिवेदक और समीक्षा अधिकारी द्वारा यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टि के बारे में टिप्पणी की गई है तो उस टिप्पणी को नियुक्ति अधिकारी खंडित कर सकता है, समाप्त कर सकता है। पूर्णतया खंडित प्रतिकूल प्रविष्टि, प्रतिकूल प्रविष्टि पूर्ण रूप से खंडित हो गई है तो वह चरित्र पंजिका में बनी रहेगी। अगर आपके चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अगर लिख दी है और उसके बाद नियुक्ति अधिकारी ने उसे खंडित कर दिया है तो वो चरित्र पंजिका में तो बनी रहेगी, लेकिन उसका जो आदेश होगा वो उसमें चस्पा किया जाएगा। आंशिक खंडित प्रतिकूल प्रविष्टि क्या है? प्रतिवेदक अधिकारी के मूल्यांकन से समीक्षा अधिकारी असहमति प्रकट करते हैं। जो प्रतिवेदक अधिकारी है कार्यालय स्तर पर, वो अगर कर्मचारी का मूल्यांकन करते हैं तो उस मूल्यांकन से समीक्षा अधिकारी असहमति प्रकट कर सकते हैं, और प्रविष्टि उस सीमा तक संशोधित मानी जाएगी। यानी कि प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन समीक्षा अधिकारी संशोधित कर सकता है, और वहीं इन दोनों की टिप्पणी को स्वीकारता अधिकारी के मूल्यांकन के विषय में भी लागू होती है। प्रतिवेदक समीक्षक अधिकारी जो भी टिप्पणी करते हैं उस टिप्पणी को प्रतिवेदक अधिकारी उस टिप्पणी को स्वीकारता प्राधिकारी संशोधित कर सकता है। यानी प्रतिवेदक और समीक्षक अधिकारी द्वारा किए गए टिप्पणी को नियुक्ति अधिकारी संशोधित कर सकता है। प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन MGO प्रस्तर 27 के तहत शासकीय नियमों में किसी प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध कर्मचारी द्वारा उच्चतर अधिकारी को प्रत्यावेदन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अगर किसी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है तो कर्मचारी अपने अधिकारी को प्रत्यावेदन दे सकता है, परंतु किसी कर्मचारी द्वारा उक्त प्रत्यावेदन में अपने किसी उच्चतर अधिकारी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा सकता है, न किसी अपशब्दों का प्रयोग कर सकता है। इस दशा में अगर कोई कर्मचारी ऐसा करता है तो इस दशा में उसका प्रत्यावेदन अस्वीकार किया जा सकता है। अगला है प्रतिकूल प्रविष्टि हेतु समय सारणी। ये प्रतिकूल प्रविष्टि की समय सारणी क्या है? सभी प्रविष्टियों को पूर्णतया अंकित हो जाने के बाद, यानी कि 31 सितंबर तक सारे प्रविष्टियां अंकित हो जाती हैं, तो उसके बाद जिसको प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाती है तो 45 दिन के अंदर
संबंधित कर्मचारी व अधिकारी को लिखित रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा सूचित कर दिया जाता है और चरित्र पंजिका में इस बात का प्रमाण दे दिया जाता है कि प्रतिकूल प्रविष्टि संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को सूचित कर दिया है। नंबर दूसरा है, किसी प्रविष्टि के विरुद्ध संबंधित अधिकारी और कर्मचारी को 45 दिन के अंदर अपना प्रतिवेदन दो प्रतियों में देना होता है। वह उसके पश्चात सक्षम अधिकारी अगर चाहे तो किसी परिस्थिति में अगर वह प्रत्यावेदन नहीं दे पाया तो 45 दिन का अतिरिक्त विशेष समय भी दिया जाता है। यदि उक्त निर्धारित अवधि में भी प्रत्यावेदन नहीं दिया जाता है तो प्रविष्टि को अंतिम मान लिया जाता है और जो प्रतिकूल प्रविष्टि अगर दी गई है तो उसे ही अंतिम मान लिया जाएगा, उसके बाद होने वाले प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाता है। नंबर तीसरा है, संसूचित प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध निर्धारित समय के अंदर किए गए प्रत्यावेदनों की एक प्रति संबंधित अधिकारी को एक सप्ताह के अंदर पुष्टि हेतु प्रेषित की जाती है। उक्त अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी आख्या 45 दिन के अंदर उपलब्ध के बाद 120 दिन में निर्णय लिया जाता है, यानी कि उस अधिकारी को भी सूचित किया जाता है, वो भी 45 दिन के अंदर अपनी आख्या के साथ जो है अपने उच्च अधिकारी को भेजते हैं और उसके बाद 120 दिन में फिर उस प्रतिकूल प्रविष्टि पर उस प्रत्यावेदन पर निर्णय लिया जाता है। प्रायतः प्रतिकूल प्रविष्टि के संदर्भ में प्राप्त प्रत्यावेदनों को निरस्त किए जाने की सूचना संबंधित प्रत्यावेदक को देते हुए उसमें अगर कारणों का उल्लेख नहीं किया जाता है, अगर आप किसी कर्मचारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है और उसका उसने प्रत्यावेदन दिया है, उस प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाता है, तो जिस कारण से प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया गया है उसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए कर्मचारी को स्पष्टीकरण या पत्र दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है वो नियम विरुद्ध है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कई बार न्यायालय में वाद दायर होते हैं, अब सरकार ने और सरकार का पक्ष भी कमजोर पड़ जाता है। इसलिए नए नियमों के अनुसार प्रतिकूल परिस्थितियों के विरुद्ध प्रत्यावेदन निरस्त अगर किया जाता है तो उसे सूचना देते समय उसमें जिस कारण प्रत्यावेदन निरस्त किया गया है उसमें सभी कारणों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाता है कि इस कारण से आपका प्रत्यावेदन निरस्त किया जाता है। प्रत्यावेदन का निपटारा, अगर प्रतिकूल प्रविष्टि पूर्णतः या अंशतः प्रतिकूल या आलोचनात्मक हो, केवल आंशिक प्रतिकूल प्रविष्टि हो, केवल आलोचनात्मक वाला हो, तो संबंधित कर्मचारी को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रतिकूल प्रविष्टि कर्मचारी को दी गई है तो उसके स्वीकारता प्राधिकारी द्वारा, नियुक्ति अधिकारी द्वारा कर्मचारी को सूचित किया जाएगा। प्रतिकूल प्रविष्टि कर्मचारी को प्राप्त होने की तिथि से 45 दिन के भीतर वो अपना प्रत्यावेदन जो है उचित माध्यम से उच्च अधिकारी को भेजेगा। यदि 45 दिन के भीतर वो नहीं भेज पाता है तो उसे 45 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है और फिर उसका निस्तारण प्रत्यावेदन देने के बाद 45 दिन में किया जाता है। अगला है अवलोपन, किसी संसूचित प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध अगर किसी कर्मचारी को प्रतिकूल प्रविष्टि की सूचना दी है तो संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रत्यावेदन दिया जाता है और उस प्रत्यावेदन की जांच की जाती है। जांच करने के बाद उस कर्मचारी को दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि से अगर प्रत्यावेदन से अधिकारी संतुष्ट हो जाता है तो उसको अवलोपित करने का निर्णय लिया जाता है और ऐसी दशा में ऐसी प्रविष्टि पर अवलोपन विषयक एक स्पष्ट रूप से आदेश निकाला जाता है और उसमें लिखा जाता है कि प्रतिकूल प्रविष्टि अवलोपित की जाती है और इस आदेश को उसके कार्यालय में भेजा जाता है और संबंधित कर्मचारी को भी दिया जाता है और उस आदेश को उसके चरित्र पंजिका में चस्पा किया जाता है। प्रतिकूल प्रविष्टि एवं निंदा प्रतिकूल, नंबर एक है प्रतिकूल प्रविष्टि और दूसरा है निंदा प्रतिकूल। प्रतिकूल प्रविष्टि एवं निंदा दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। निंदा किसी कर्मचारी को दिए जाने वाला एक लघु दंड है जो नियमानुसार किसी कर्मचारी को दिया जा सकता है, परंतु जहां तक प्रतिकूल प्रविष्टि का प्रश्न है यह कोई दंड नहीं है, यह मात्र एक प्रशासनिक टिप्पणी है उसके कार्य के प्रति, जिसके माध्यम से किसी कर्मचारी के कार्य व्यवहार आचरण निष्ठा के प्रति उसके उच्चतर अधिकारियों द्वारा राय दी जाती है, राय अंगित की जाती है कि इसका कार्य व्यवहार उत्कृष्ट है या उत्तम है, अति उत्तम है, संतोषजनक है, तो वो इंगित करता है।
कर्मचारी का कार्य व्यवहार आचरण का स्तर वह ग्रेड को परिभाषित करता है कि वो किस ग्रेड का कर्मचारी है, ताकि भविष्य में जिससे उसका भविष्य भी प्रभावित होता है, पदोन्नति प्रोन्नत अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रभावित करती है। अगर उसका कार्य सही नहीं है, आप प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है, तो उसकी पदोन्नति भी नहीं हो सकती है, प्रोन्नत भी नहीं हो सकता है, और उसे विभाग, जैसा आपके संज्ञान में आ रहा हुआ आजकल की अनिवार्य सेवानिवृत्ति, तो उस समय उसकी समीक्षा की जाती है, उसका प्रतिकूल प्रविष्टि, उसकी चरित्र पंजिका देखी जाती है। अगर उसकी चरित्र पंजिका प्रतिकूल प्रविष्टि दी है, चरित्र सही नहीं है, कार्य व्यवहार सही नहीं है, तो उसको अनिवार्य सेवानिवृत्त भी किया जाता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप अगर आपको लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग।